मुंबई में वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे वनडे मैच में 162 रन की पारी खेलने वाले रोहित शर्मा एक और दोहरे शतक से चूक गए, लेकिन रोहित को इसका मलाल नहीं है। मैच के बाद रोहित ने कहा कि मैंने दोहरे शतक के बारे में सोचा ही नहीं था, मैंने जो 3 दोहरे शतक बनाए थे उन्हें पाने के बारे में नहीं सोचा था। जब मैं इस मैच में बल्लेबाजी कर रहा था तो मेरे जोड़ीदार अंबाती रायटू ने मुझसे कहा भी था कि मैं चौथा दोहरा शतक बना सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मुंबई में चौथे वनडे मुकाबले में मार्लोन सैमुअल्स को आउट करने के बाद आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर खलील अहमद पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने फटकार लगाई है। इसके साथ ही एक डीमेरिट अंक खलील के खाते में जोड़ दिया है। खलील ने वेस्टइंडीज की पारी के 14वें ओवर में सैमुअल्स को आउट किया था और जब वो वापस लौट रहे थे तो कई बार उन पर चिल्लाया था। भारतीय खिलाड़ी को उनके इस व्यवहार के लिए ICC के आचार संहिता नियमों के तहत लेवल 1 अपराध का दोषी पाया गया है। यह नियम आपत्तिजनक व्यवहार या गलत इशारे और आक्रामक प्रतिक्रिया से जुड़ा है। खलील ने मैच रेफरी क्रिस ब्रॉन्ड द्वारा लगाए गए इस अपराध को स्वीकार कर लिया है, जिससे उनके खिलाफ आधिकारिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI में किसी भी विवाद की जांच के लिए स्वतंत्र लोकपाल की जरूरत है। लोकपाल के बारे में यह बात प्रशासकों की समिति ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी स्थिति रिपोर्ट में कही है, जिसके अनुसार लोकपाल के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को 1 से 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में COA ने कहा है कि हमारा मानना है कि विवाद निस्तारण की स्वतंत्र प्रणाली स्थापित करने के लिए BCCI का पहला लोकपाल जल्द से जल्द नियुक्त होना चाहिए। COA ने आचार संहिता अधिकारी की जल्द नियुक्ति को लेकर दलील दी है कि इससे BCCI में हितों के टकराव जैसे अहम मुद्दे पर भी उपयुक्त व्यक्ति द्वारा सुनवाई हो सकेगी। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा रूस पर लगे प्रतिबंध को हटाने के फैसले से कुछ डोपिंग रोधी एजेंसियां खुश नहीं हैं। इस फैसले से नाखुश डोपिंग रोधी एजेंसियों ने वाडा से तुरंत सुधार की मांग की है। इस साल सितंबर में वाडा ने रूस पर लगे 3 साल के प्रतिबंध को हटाने का फैसला लिया। एजेंसियों के साथ साथ कई एथलीटों ने भी इस फैसले का विरोध किया था। लगभग 18 डोपिंग रोधी एजेंसियों के प्रमुखों ने पेरिस में एक आपातकाल बैठक की। डोपिंग रोधी एजेंसियों के समूह ने कहा कि वाडा एक बार फिर ऊपर उठेगा अगर वह वैश्विक एथलीट समुदाय की चिंताओं को सुनना शुरू करे। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।